गुड मॉर्निंग दोस्तों, भाई क्या हाल चाल है? आप सभी को राम राम, दुआ सलाम। आज दिन बड़ा लंबा चलेगा आज दिन, क्योंकि भैया पहले तो जाना ऑफिस और ऑफिस के बाद निकलना है देहरादून। मतलब आज जाएंगे देहरादून, देहरादून जाके अपना जो काम नाम है वो निपटाएंगे, उसके बाद देखेंगे आगे कहीं जाना है तो चकराता बकराता करके बर्फ बर्फ गिर रही है उधर चले जाएंगे, नहीं तो नहीं। भाई क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, है कि नहीं। अपना ऑफिस से निकल गए घर की तरफ, और घर की तरफ ही नहीं, घर से भी जाते ही नहीं, अपना वस्त्र पहने जाएंगे और निकला जाएगा। बहुत लंबा जाना है आज। अभी ये अभी से आज से जब से मान लें तुम्हारा दिल का तब से मान लो एक 3-4 दिन का घूमने फिरने का ट्रिप है भाई। 3-4 दिन का तो खैर नहीं, पर 2 दिन का तो है ही। ठीक है, ऐसे घूम फिर के आते, कुछ काम भी एक्चुअली मुझे देहरादून में। पहले तो जाऊंगा यहाँ से सीधा गांव, गांव से फिर देहरादून, देहरादून से चकराता, चकराता से फिर पकराता, पकराता से कहाँ जाने का, कहाँ देखते हैं। मतलब उस तरफ जाने का विचार है, हो सकता है ऋषिकेश में कैंपिंग भी कर लें। Everything is depends on the mood and the work. रुक जा भाई, कहाँ बड़ी जल्दी में हो आज, मैं दूर रहो। घर ऑलमोस्ट पहुंच गए टाइम से, आई बजे 6:45 और 6 बजे निकलना है। सब तैयारी करके फटाफट सामान में बैग में सामान डालना है और फुर रो ले आना बिल्कुल। घर से भी फटाफट निकल गया हूँ, अब यहाँ से जा रहे हैं सीधा घर की तरफ, मतलब गांव की तरफ। वहाँ रुकेंगे रात को और सुबह सुबह निकल जाएंगे देहरादून और आगे जहाँ भी जो काम है उसके लिए। ठीक है, आज बहुत ज़्यादा ब्लॉगिंग करूँगा नहीं, बिकॉज ऑलरेडी लेट हो गया, अंधेरा हो गया, घर पहुँचने में 2-3 घंटे लग जाएंगे। सही आधे घंटे में हाईवे पकड़ लिया हमने, सिवास ने रास्ता बता दिया पूरा, कहाँ कहाँ से मुड़ना है, कैसे कैसे जाना है, और मैंने पकड़ लिया हाईवे। यहाँ से 1 घंटा हाईवे पे चलेंगे पूरा, अब एटलीस्ट अब ट्रैफिक नहीं मिलेगा, सबसे अच्छी बात ये है। और गाड़ी के लाइट देख रहे हो भाई, आया है गाड़ी के लाइट देखे तो दिल खुश जाता है मेरा, ये बन ये चल गई। सबसे ज़्यादा तो मतलब दिल खुश लाइट देख के होता है मेरा। अब कुछ देर में देखते हैं, डैम्पिंग वगैरह भी कराऊंगा सोच रहा हूँ मैं, तो देखते हैं धीरे धीरे करेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि मैंने बताया था, सैलरीड पर्सन भाई, धीरे धीरे करके सेविंग कर करके धीरे धीरे खर्चा भी करेंगे। अभी तो मोटी ट्रिप आने वाली है ना, उसके लिए बचा रहे हैं। टेंपिंग लेकिन शायद उससे तो उससे पहले भी करवा लूँ मैं एक बार, एटलीस्ट उसे जो बाहर की जो साउंड आती है वो नहीं आएगी उसके बाद। अच्छा, जिसको नहीं पता भाई, ये KMP हाईवे एक्सप्रेस वे, बल्कि हाईवे भी नहीं, KMP एक्सप्रेस वे। यहाँ पर भैया 120 की है स्पीड, ऑथराइज स्पीड 120 की है, और ना कोई कट है, ना रेड लाइट है, ना कोई ब्रेकर है, ना सरेकर है, कुछ नहीं है। आप ब्रेक पे पाँव रखने की जरूरत ही नहीं है, एस्केलेटर पे रखो और ताबड़तोड़ जाने दो। चलो भाई, गुड इवनिंग दोस्तों, क्या हाल है, जय श्री राम, दुआ सलाम। और आज के नए ब्लॉग में पहले से स्वागत है आप लोगों का। और आज पहले गांव की तरफ से सफर है हमारा, और शाम हो रही है, शाम तक 9 बजे तक पहुंचेंगे, तो ज्यादा टाइम तो राइट भी मुड़ना पड़ेगा बस। ये बहुत काम की बात है, ध्यान से सुनते रहे ना, भूलना नहीं है, ये काम की बात है। और ये जो काम की बात होती है ये तो आपको समझाई थी मैंने, और क्या। और अब आपसे बात करेगा शिवांस आगे, तब तक के लिए थोड़ा ब्लॉग बंद कर देते हैं, आगे देखते हैं अगर रोड चले गाड़ी। अरे अभी थोड़ा रुको, फिर आप लोगों से छपरौली में बात करता हूँ। अब कर दिया अभी हमने एग्जिट कैंप से, और ये आ जाएगा नीचे चंडीगढ़ हाईवे।
मुझे सिर्फ एक डाउट है कि चंडीगढ़ हाईवे पे जाम ना मिले, क्योंकि चंडीगढ़ हाईवे पे जब जाम मिल जाता है ना तो थोड़ी दिक्कत। हालांकि अभी कम मिलेगा बिकॉज वो बन गए हैं फ्लाई ओवर। भाई पहले ना उस पर दिखा रहा था कि 9:30 बजे पहुँचोगे आप गूगल पे, गूगल मैप के ऊपर, लेकिन हम कह रहे अच्छे ड्राइवर, आप दिखा रहे 8:38 पहुँच जाओगे आप, मतलब 1 घंटे गैप आ गया भाई साहब, देख रहे हो। ये फायदा होता है अच्छे से गाड़ी चलाने का। भाई वो कहते हैं ना सीधी बात नो बकवास, वही हाल है रात में ड्राइविंग का, मजा आता है। यहाँ वहाँ के कोई घोड़ा खच्चर कोई नहीं गुजरा बीच में, खाली रोड है, ट्रक जरूर है भैया, कि रोड तो नहीं की रात के टाइम पे, वही सेंस है रात की रोड के तो भैया, माई बाप वही है, उनसे बच के चलते रहो। भाई ये हमारे गुफाड़े बाबा, हमारे यहाँ पे बहुत मान्यता इनकी भाई, बहुत ही ज्यादा, मतलब ये यहाँ था कि होली दिवाली पर रास्ता बंद हो जाता है, ये हाईवे। रात हो गई है भाई, मतलब घर पहुँच जाएंगे 8:30 बजे, और आधे घंटे में घर पहुँच जाएंगे। सफर तो कल का है भाई, काफी लंबा है। चलो भाई रुद्रांश भी उठ गया, देखो भाई सोते सोते। अब रुद्रांश करेगा सिवांश के साथ मस्ती, रास्ता कटेगा आराम से, घर पहुँच जाएंगे जल्दी। हाँ बताओ बताओ। चलो गुड इवनिंग भाई, जो बनारस में आई थी वो अभी तक पहुँचे नहीं है। और भाई ये आ गई हमारी बड़ोद सिटी, इतनी शांति कभी नहीं मिलती थी दिन में भी। रात को देख ये एक टाइम था, ये थोड़ी देर पहले मैं निक्की बात कर रहे थे, जब मेरी शादी हुई थी ना उस टाइम पे भाई गड़ुंचा था, यू 2-2 फुट गहरे खड्डे, निकल नहीं सकते थे। अब भाई पूरे रास्ते लाइट, भाई हाईवे इतना शानदार, पूछो मत, दिल खुश कर दिया। देखो देखो और ये भीड़ भैया, हमारे यहाँ पे ना पहले 8:30 के बाद आपको रोड पे आदमी नहीं मिलता था, मतलब रास्ता लूट जाता था, डकैत होते थे। हाँ बेटा हाँ बेटा हाँ बेटा हाँ भाई, अपन भैया ये मान के चलो कि मोदी सरकार में जो सर योगी सरकार के आने के बाद ना भाई साहब ये बहुत ही बढ़िया हो गया, बहुत ही बढ़िया भाई, हमारे साइड से शाबाशी है योगी सरकार को, और स्पेशली गडकरी जी को जो रास्ता बनवाया है, एक नंबर। घर आ गया भाई, घर में चलते अंदर और आप लोगों से मुलाकात करते हैं कल। अब इस व्लॉग को ये खत्म करते हैं, अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो भैया लाइक सब्सक्राइब सब कुछ कर दो जो कर सकते हो, सब कुछ कर दो।